बैक टू माई चैनल रुचि स्टाइल कॉर्नर। तो टाइटल देखिए समझ में आ गया होगा कि आज का वीडियो किस टॉपिक के ऊपर है। तो आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स जो हमारे स्किन और हेयर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब स्टाइलिंग टूल्स आप बोल सकते हो, ग्रूमिंग टूल्स आप उनको बोल सकते हो, एंड स्किन केयर टूल्स आप उनको बोल सकते हो। तो ये सारे जो भी टूल्स हैं इनमें से कुछ भी टूल्स मेरे पास नए नहीं है। इसमें से कुछ टूल्स तो ऐसे हैं जिनको मैं 5-5, 6-6 साल से यूज़ कर रही हूँ और वो परफेक्टली अभी तक वैसे के वैसे ही हैं, अभी भी वैसे ही चल रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं इन सब प्रोडक्ट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, क्योंकि एज वी ऑल नो कि अभी सिचुएशन कैसी चल रही है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि अभी एटलीस्ट 1-3 मंथ्स आप इस तरह की चीज़ों की शॉपिंग करना अवॉइड करिएगा। क्योंकि मेरे को ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा लग रहा था, सो दैट्स व्हाई मैं इसके ऊपर वीडियो बना रही हूँ, सो दैट आप सबके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल हो। सो येस, विदाउट फर्दर डू, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। कमिंग टू द फर्स्ट टूल जिसके बारे में बात करने वाली हूँ वो है ये एपिलेटर। तो आई थिंक काफ़ी सारे लोग इसके बारे में जानते होंगे कि एपिलेटर्स क्या होते हैं। जिनको नहीं पता है मैं उनको बता देती हूँ कि ये एक तरह का हेयर रिमूविंग टूल है, इसको एपिलेटर बोलते हैं। और दिस इज़ नॉट ए शेविंग थिंग, ना ही ये ट्रिम करता है, ना ही ये शेव करता है, ना ही ये ट्रिम करता है। ये आपके जो भी हेयर होते हैं उसको बिल्कुल रूट से निकाल देता है, जैसे वैक्सिंग काम करती है उस तरह से ये काम करता है। तो अभी जैसे अभी लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, आप कहीं भी जा नहीं सकते हो, मैं यूजुअली तो शेव ही करती हूँ, बट समटाइम्स यू नो इन अ समर्स शेव के कारण यू नो जल्दी जल्दी हेयर ग्रोथ हो जाती है, तो मैं प्रिफर करती हूँ एपिलेटर करना। तो इस कुछ नहीं करना होता है आपको, नॉर्मल अपने हेयर को निकालना होता है एंड आराम से 15 डेज तक आपका कोई हेयर बैक नहीं होता है, और जैसे ही छोटे छोटे हेयर आ जाते हैं आप अगेन इसको यूज़ कर सकते हो। सो दिस इज रियली हेल्पफुल, अमेजिंग, मस्ट हैव इन अ गर्ल्स किट, मतलब ये आपके पास होना ही चाहिए। और ये मैंने खरीदा था व्हेन आई वाज इन माय कॉलेज, मुझे मेरी फ्रेंड ने इंट्रोड्यूस किया था एंड आई वाज लाइक, मैंने अपनी मम्मी को बताया, माय मॉम वाज आल्सो लाइक हाँ हाँ अच्छी चीज़ है, चलो ले लेते हैं। तो मम्मी के साथ जाकर के मैं ये खरीद करके लेकर के आई थी। तब मैंने ये खरीदा था 2200 में। अब तो इसके काफ़ी वेरियंट्स आ गए हैं, वाटर प्रूफ वेरियंट आ गया, ये वाटर प्रूफ नहीं है और ये इलेक्ट्रिकल है, ये कॉर्ड के थ्रू चलता है, तो कोई सेल वेल का हेडेक नहीं होता है। अब तो मतलब आई थिंक 2200 में आपको विद बैटरी, विदाउट बैटरी आपको वाटर प्रूफ वाला भी मिल जाएगा। बहुत अलग अलग वेरियंट्स आते हैं इसमें, आपको शेवर मिलेगा, ट्रिमर भी मिलेगा, बट ये सिर्फ अकेला एपिलेटिंग का काम करता है। और तब से लेके अभी तक मैं इसको यूज कर रही हूँ, ये बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, सो आई एब्सोल्युटली लव दिस। और ये फिलिप्स ब्रांड की कंपनी का है। तो ये था मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट। सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज हेयर रिमूवल स्ट्रिंग। ये बहुत ही अफोर्डेबल है, ये आता है 175 से 200 के बीच में, दो आते हैं, दो का पैक आता है। तो ये एक मेरी मम्मी के पास है और एक मेरे पास है एंड आई थिंक मोर देन 3 ईयर्स से ये चल रहा है मेरे पास, खराब नहीं हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें खराब होने जैसा कुछ है ही नहीं। तो ये इस तरह से स्ट्रिंग होती है लाइक दिस, तो यहाँ पर आपके जो हेयर हैं वो इसमें फंसते हैं और जब आप इसको ट्विस्ट करते हो, खींचते हैं, पुल होते हैं और देन बाहर आ जाते हैं। तो अगेन ये भी जड़ से, जो रूट से हेयर को निकालने का काम करता है। दिस इज़ बेस्ट फॉर योर अपर लिप्स, आपके साइड लॉक्स के लिए परफेक्ट है। तो और काफ़ी अफोर्डेबल भी है, बट इसको चलाना आना चाहिए, इसको चलाने में थोड़ा टाइम लगता है। आपको क्या करना होता है, इसको ऐसे ट्विस्ट करना होता है लाइक दिस, इसको आपको ऐसे ट्विस्ट करके ऐसे घुमाना होता है, ये यहाँ पे बाल पकड़ लेता है और ऐसे 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 करके चलाना होता है, सारे जो भी हेयर हैं, बेबी हेयर हैं, वो सब इसमें आ जाते हैं। अमेजिंग फॉर फेशियल हेयर। आईब्रोज के लिए मैं इसको सजेस्ट नहीं करूँगी, बिकॉज क्या होता है ना कि समटाइम्स आपके बीच के अगर हेयर इसमें फंस गए, आ गए, तो आपका यहाँ से साफ हो जाएगा। सो इसलिए इसको लिए, इसको आप अपर लिप्स के लिए बेस्ट है, चिन लॉक के लिए बेस्ट है, साइड लॉक्स के लिए बेस्ट है और फोरहेड के लिए भी ये काफ़ी बेस्ट है और बहुत अफोर्डेबल है, ये बहुत लंबा चलता है। सो ये है मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट। नाउ कमिंग टू द थर्ड प्रोडक्ट, ये अगेन एक फिलिप्स का ग्रूमिंग टाइप का, विमेन ग्रूमिंग आप बोल सकते हो टूल है। तो ये है वो टूल, इसका नाम है फिलिप्स, आगे पीछे कुछ मुझे पता नहीं है कि इसका नाम क्या है। ये भी काफ़ी पुराना है, मैंने ये लिया था 2016, नो आई थिंक आई हैव बॉट दिस इन 2015 या 2014 में मैंने ये परचेस किया था। काफ़ी अमेजिंग सा है ये बेसिकली क्या है, शेवर और ट्रिमर आप इसको बोल सकते हो। ये इसमें इस तरह से कवर लगा हुआ है, आपको यहाँ से निकालना होता है, ये इसका ट्रिमर है एंड ये ऑन हो गया है, इस तरह से ये ऑन हो गया है, दिख रहा है आपको, ये चलता है एंड ये बंद, ये इसका प्लग है। देन आपको इसको चेंज करना होता है, ये ट्रिमर है राइट, ये ट्रिमर है एंड देन इसका जो शेवर है वो है ये, सो दिस इज द शेवर एंड ये है इसका शेवर
बहुत ही अमेजिंगली ये शेव करता है. इट इज़ गुड फॉर योर प्राइवेट. पर अबाउट दिस ट्रिमर एंड शेवर इसके, इससे कटने वटने का कोई डर नहीं होता है एंड ये बिल्कुल क्लीन कर देता है आपके एरिया को और बहुत स्मूथ कर देता है. बट आप इसको पूरी बॉडी में भी यूज़ कर सकते हैं. पूरी बॉडी में आप इसको यूज़ करते करते डेफिनेटली पागल हो जाओगे. सो वट आई सजेस्ट इज़ कि ये बेसिकली फॉर अंडर आर्म्स, प्राइवेट पार्ट्स जो होते हैं वहाँ के लिए ये बहुत अमेजिंग है, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है. और ये इस तरह से इसका पाउच है, इसी पाउच में मैं इसको रखती हूँ तो ये काफ़ी सेफ भी रहता है. ऐसे मैं इसको रख देती हूँ. तो ये था मेरा थर्ड प्रोडक्ट. नाउ कमिंग टू द फोर्थ प्रोडक्ट. जो फोर्थ प्रोडक्ट है वो है ये, दिस इज अ लूना मिनी 2 फेस क्लेंजिंग ब्रश बाय फोरियो. दिस वर्क्स अमेजिंग. मतलब इसको मैं लास्ट 5 months और 4 months से यूज़ कर रही हूँ एंड कंटिन्यूसली डे एंड नाइट मैं इसको यूज़ करती हूँ. समटाइम्स मैं एक टाइम भूल जाती हूँ बट मैं कोशिश करती हूँ कि कैसे भी करके इसको एक बार तो यूज़ करूँ अपने फेस पे. इट रियली वर्क सो वेल ऑन माई फेस. इनफैक्ट आप कितना भी अपने फेस को क्लीन कर लो, मतलब सपोज ये जो मेकअप मैंने लगाया हुआ है इसको मैं कितना भी क्लीन कर लूँगी एंड लास्ट में जब भी मैं इससे वॉश करती हूँ तो इसमें लिटरली मेकअप के रेसिड्यूज़ होते हैं. मतलब आप सोच सकते हो कि हमारा जो मेकअप है वो कितने अंदर तक स्किन में जाता है. तो ये आपकी डीप स्किन में जाकर के स्किन की क्लीनिंग करता है. दिस इज मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि बहुत बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है. इसका अल्टरनेटिव भी मेरे पास है, जब तक ये मेरे पास नहीं आया था उसके पहले मैं क्या यूज़ कर रही थी मैं उसका अल्टरनेटिव आपको ज़रूर बताऊँगी बिकॉज ये बहुत एक्सपेंसिव आता है. आई थिंक ये 23,000 or 24,000 का आता है एंड डेफिनेटली ये मैंने परचेज नहीं किया था, मुझे ब्रांड ने सेंड किया था. इसके साइड में पीछे मसाजर भी है जो कि एंटी एजिंग मसाजर है. इसको मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ बट येस इसको मैं यूज़ करती हूँ. इसको मैंने चार्ज किया था 2 months पहले और अभी तक ये एज इट इज़ वर्क कर रहा है और ये बहुत अमेजिंग वर्क करता है. स्किन पे बहुत जेंटल है, स्किन पे बहुत जेंटल है. जैसे कि मेरी बहुत सेंसिटिव स्किन है तो मेरे स्किन के लिए ये परफेक्ट है. आई रियली लव दिस प्रोडक्ट. कमिंग टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट, तो ये है बाय ब्रॉन का स्किन एपिलेटर बेसिकली. तो ये जो प्रोडक्ट है इसमें भी फेस क्लेंजिंग ब्रश, ये 2 variants में आता है. एक आता है अकेला एपिलेटर के साथ और एक आता है विद ब्रश. तो मैंने इसको पर्पसली विद ब्रश खरीदा था बिकॉज इसके मैंने रिव्यूज बहुत अच्छे सुने थे एंड ये 4,000 कुछ का आता है. तो उसके पहले मैं अपने फेस क्लेंजिंग ब्रश, फेस क्लेंजिंग के लिए यही ब्रश यूज़ करती थी. यू वोंट बिलीव इट, पहले मेरे फेस पे बहुत छोटे छोटे एक्नेस हमेशा रहते थे बट जब से मैंने ब्रश से अपने फेस को क्लीन करना स्टार्ट किया है तब से बहुत हद तक वो जो छोटे छोटे बम्प्स होते हैं वो बिल्कुल होना खत्म हो चुके हैं. तो वो बम्प्स जनरली इसलिए होते हैं कि आपके स्किन पे काफ़ी सारा यू नो डर्ट पॉल्यूशन ये सब जमा हो जाता है, इसलिए उनकी वजह से वो बम्प्स हो जाते हैं. तो अगर आपकी फेस में डीप क्लीनिंग होगी और आपका फेस बहुत अच्छे से क्लीन रहेगा तो वो बम्प्स होना आपको ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे. तो दैट इज द रीजन आई स्टार्टेड यूजिंग अ गुड फेस क्लेंजिंग ब्रशेज. सो आई हाईली सजेस्ट यू कि आप एक अच्छे फेस क्लेंजिंग ब्रश में इन्वेस्ट करिए, उसके पीछे की थ्योरी पढ़िए कि ये एक्चुअली में वर्क क्या करता है, कैसा है एंड ऑल दैट. क्योंकि काफ़ी सारे मार्केट में ब्रशेज अवेलेबल हैं. टू गेट नाइस ब्रश फॉर योर फेस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये भी अगेन सेंसिटिव स्किन के लिए था, इसके रिव्यूज बहुत अच्छे थे. मैंने बहुत फॉरेन यूट्यूबर्स के इसके रिव्यूज देखे इस ब्रश के स्पेशली. ये यहाँ से निकलता है इस तरह से और यहाँ पर आता है ये है फेस एपिलेटर. बेसिकली ये 2 attachments आते हैं. एक तो ये ब्रश वाला अटैचमेंट रहता है, ये जो ब्रश है ये चेंज हो जाते हैं जब आपका ये ब्रश खराब हो जाए. तो मार्केट में इसके ब्रशेज अवेलेबल होते हैं 700-800 रुपए में आता है तो वो आप चेंज कर सकते हो. तो ये मैं चेंज कर चुकी हूँ एक बार. तो ये है इसका एपिलेटर. तो दिस इज बेसिकली अ फेशियल एपिलेटर, फेस का एपिलेटर है ये. ये काम क्या करता है, आपकी पूरी आईब्रोज की शेपिंग कर देगा ये. ये भी अगेन रूट से बालों को निकालता है. यूज़ करते हो स्टार्टिंग में आपके फेस पे दर्द होगा, जैसे वैक्सिंग या थ्रेडिंग में होता है वैसे ही दर्द होगा. लेकिन जैसे जैसे आप इसको यूज़ करने लगोगे आपको यूज़ करने का तरीका पता चल जाएगा, ऑटोमेटिकली जो आपका पेन है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा. आई एब्सोल्युटली लव दिस वन. इसको मैंने बहुत यूज़ किया है बट नाउ आई स्विच्ड इनटू द शेविंग मेथड. मैं पूरी तरह से शेविंग मेथड में शिफ्ट हो चुकी हूँ और जहाँ पर मैं शेव नहीं करती हूँ वहाँ पर मैं ये यूज करती हूँ. एंड समटाइम्स अगर मेरा मन होता है तो मैं यूज करती हूँ, अदरवाइज नहीं यूज करती हूँ. अभी आते हैं हेयर केयर टूल्स के ऊपर. तो सबसे पहला जो हेयर केयर टूल है वो है ये क्रोमा का हेयर ड्रायर. इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट कि आप एक अच्छा हेयर ड्रायर यूज़ करें ताकि आपके बाल जले ना, प्रॉपर तरह की हीट वो प्रोवाइड करे. तो ये बहुत ही अमेजिंग सा हेयर ड्रायर है, इसको यूज़ करे मुझे 3.5 साल हो चुके हैं एंड दिस इज द प्रोडक्ट. और ये बहुत ही अमेजिंग है, इसमें काफ़ी सारे वेरियंट्स हैं. ये जो दिख रहा है ये स्पीड कंट्रोल वाला है. देन यहाँ पर हीट टर्न हीट ऑफ का है एंड देन कमिंग टू दिस वन
दिस इज़ अगेन आपको ठंडा रखना है या हॉट रखना है उसकी सेटिंग्स का है. तो इसमें काफ़ी सारे सेटिंग्स हैं, आप चेंज कर सकते हो अपने बालों के अकॉर्डिंग. मैं इसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, विक्की इसको डेली यूज़ करता है. जब मैं ये ले रही थी हेयर ड्रायर तब भी मैंने काफ़ी रिसर्च किया था, क्योंकि हेयर ड्रायर बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, मेरे बाल काफ़ी लंबे हैं, तो आई नीड थोड़ी पावरफुल मशीन. तो ये हेयर ड्रायर था अप्रॉक्सीमेटली 2500 या 2400 का था और काफ़ी अमेजिंग वर्क करता है ये. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट, ये है हेयर स्ट्रेटनर. अगेन इसको मेरे को 5-6 साल हो चुके हैं, मैंने अपनी शादी के पहले परचेस किया था इसको, एंड काफ़ी टाइम से मैंने इसको बहुत यूज़ किया है, बहुत ज़्यादा यूज़ किया है और बहुत अमेजिंग वर्क करता है. ये है फिलिप्स का सैलॉन स्ट्रेट एसेंशियल स्ट्रेटनर एंड इट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. मुझे ऐसा लगता है हेयर के जो टूल्स आप यूज़ करते हो वो बहुत अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, ताकि आपके बाल ख़राब ना हो, आपके बालों से उसकी शाइन ना जाए, आपके बाल जले ना. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छे होना चाहिए. तो इसकी आप अभी भी क्वालिटी देखो, इसमें ऑन एंड ऑफ का स्विच दिया हुआ है एंड ये है यहाँ से ये इस तरह से ओपन हो जाता है एंड इसको आप ऐसे करके बंद कर दो तो ये बंद हो जाता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि इसमें टेम्परेचर कंट्रोल नहीं है, बट मुझे कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि टेम्परेचर कंट्रोल नहीं है तो इससे मेरे बालों को कुछ हार्म हो रहा है. क्योंकि बहुत सारी बार स्ट्रेटनिंग करते टाइम ऐसा होता है कि मैं हीट प्रोटेक्शन जो स्प्रे होता है वो नहीं लगाती हूँ, लेकिन और फिर भी हाई हीट पर मैं स्ट्रेट कर चुकी हूँ अपने बाल, बट मेरे बालों में कभी भी कोई भी डैमेज नहीं हुआ है. सो आई रियली लाइक दिस स्ट्रेटनर और इसका प्राइस मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, अगर मुझे याद आता है तो मैं स्क्रीन पर इन सब के प्राइसेस लिख दूंगी. तो ये है नेक्स्ट प्रोडक्ट. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट, ये है आइकॉनिक का हेयर स्टाइलर इसको मैं बोलूँगी. तो दिस इज़ लाइक अ यू नो क्रिम्पर, सॉफ्ट कर्ल्स के लिए आप बोल सकते हो, बीची वेव्स के लिए आप बोल सकते हो, उस तरह का काम करता है ये. एंड ये मैंने परचेस किया था अंधेरी में, एक शॉप है उसका नाम मेरे दिमाग से बिल्कुल स्किप हो गया है, वहाँ से जाके परचेस किया था. एंड जनरली ये प्रोफेशनल्स इसको यूज़ करते हैं और इसके मैंने काफ़ी रिव्यूज़ देखे थे एंड आई एब्सोल्युटली लव्ड इट, लव दिस वन. ये 3000 या 4000 कुछ 3 से 4 के बीच में था, मुझे एग्जैक्टली इसका प्राइस याद नहीं है. क्वालिटी बहुत अमेजिंग है. अगेन मैं ये बोलूँगी कि इसका जो रॉड्स है इसकी वजह से मेरे बालों में अभी तक कोई डैमेज नहीं हुआ है, ना ही मेरे बाल इससे जले हैं. बहुत अमेजिंगली स्टाइल करता है ये. इसमें यहाँ पर टेम्परेचर कंट्रोल दिया हुआ है तो ये भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज़ कि इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है. तो यस, ये है नेक्स्ट प्रोडक्ट जिसको मैं सजेस्ट करूँगी. तो अगर आप स्टाइलिंग टूल्स भी यूज़ करते हैं तो कोशिश करिए कि उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो. मतलब आप ये सब चीज़ें आई थिंक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, आपको कोई बार बार तो लेना नहीं होता है. अगर आप एक बार ही में अच्छा चीज़ ले लोगे, थोड़ा पैसे बचा करके अच्छी चीज़ ले लोगे, अच्छी क्वालिटी की चीज़ ले लोगे, तो आई स्वेयर आपको 5-6-7-8 साल तक इनको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोबारा. सो येस, दैट्स इट फॉर माई वीडियो. आई होप यू रियली लाइक दिस वीडियो. इफ यू डू सो देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो. मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय.